अस्सलाम वालेकुम जवानों, बहनों, भाइयों, क्या हाल चाल है यार सबके। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। यार महीने का फर्स्ट वीकेंड है आज, ठीक है। और वीकेंड यू नो होता है घूमने फिरने के लिए, तो आज मैं जा रहा हूँ पटाया। पटाया मतलब यहाँ पे ना क्या कह सकते हो, बीच सिटी है। नाम तो तुम लोगों ने शायद सुना होगा पहले, अगर किसी ने बैंकॉक थाईलैंड का सुना तो पटाया का तो लाजमी सुना होगा। तो वहाँ जा रहा हूँ मैं, और उसके साथ एक आइलैंड है कोलान के नाम से, ठीक है। कोलान को पैमा नहीं होती जैसे वैसे कोलान, तो कोलान के नाम से एक आइलैंड है, और उस आइलैंड पे भी जाना है मैंने। तो मेरा ये 2 दिन का टूर है, ठीक है, आपको साथ साथ अपडेट करता रहूँगा। तो स्टे ट्यून्ड विद अस। एंड अच्छा, बस के थ्रू जाने का ना बड़ा अजाब था क्योंकि ट्रैफिक वगैरह काफ़ी थी। बाइक के थ्रू भी नहीं जा सकता था क्योंकि बाइक भी काफ़ी ट्रैफिक होती है। लाइसेंस मेरे पास है नहीं, तो यहाँ पर लाइसेंस का थोड़ा सा मसला होता है। तो मैंने सोचा कि जाया जाए थ्रू ट्रेन, ठीक है। तो आज मैं इनके रेलवे स्टेशन पे तो आ गया हूँ। रेलवे स्टेशन इनका मैं आपको दिखाता हूँ जाके। ये तकरीबन ये रेलवे स्टेशन है यहाँ पे, ये देख लो मस्त मॉल है यहाँ पे। मतलब ये मैन इनका एंट्री गेट था और ये मैं खड़ा हूँ, ठीक है। ये इस तरह इनका सीन है। पाकिस्तान में रेलवे स्टेशन तो बड़े वो स्ट्रिक्ट टाइप के होते हैं, यहाँ पर मस्त मॉल है। ये बिल्कुल साथ ही इनकी वो रेल ट्रैक चल रहा है, और ये छोटा सा इनका स्टेशन है। जाके तुम लोगों को दिखाता हूँ कि क्या सीन है यहाँ पर। ये आवाम सारी बैठी हुई है जी। ये इनका टिकटिंग बूथ है, ठीक है। यहाँ पे ये टिकट सेल होती हैं। मस्त मॉल में टिकटिंग बूथ लगा हुआ है, कोई VIP माहौल नहीं है। और यहाँ पे टिकट भी काफ़ी सस्ती है। मतलब मेरी ये तकरीबन 2 घंटे की ट्रेन है, 2.5 घंटे की, और मुझे इसकी टिकट मिली है 170 बात की, मतलब वेरी चीप। और ये यहाँ पर आवाम सारी इस तरफ वेट कर रही है उस तरफ जाने के लिए। उधर बेंचेस लगे हुए हैं, कोइन माँ की फ़ोटो लगी हुई है इधर, और मतलब सुकून वाला सीन है यहाँ पे। और काफ़ी सारे लोग देखो यहाँ पे ट्रेन से सफ़र करते हैं। पाकिस्तान में तो ये ना कि बहुत कम लोग ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे लोग थ्रू ट्रेन जाते हैं। अब ट्रेन को यार ये तो दिखाता हूँ कि ट्रेन के क्या हालात हैं, क्योंकि पाकिस्तान की ट्रेन तो काफ़ी हैं, तो मतलब शक्ल सूरत तो उनकी अच्छी है, लेकिन मैकेनिकली बड़ी ख़राब होती है। तो यहाँ की ट्रेन देखते हैं कि कैसी हैं। एंड बाय द वे, दिस स्टेशन इज कॉल्ड लातक्राबांग स्टेशन। दिस इज़ लातक्राबांग स्टेशन, और यहाँ पे अभी हम वेट कर रहे हैं ट्रेन के लिए। सो लेट्स सी कि ट्रेन यहाँ पे कैसी है। अजी यहाँ पे ना मतलब थोड़ी बहुत वो भी है, ग्रीनरी टाइप भी है, पौधे शौधे लगे हुए, ज़्यादातर यहाँ पे केले पाए जाते हैं। तो ये देख सकते हो, अच्छा सीन है, प्लेजेंट माहौल है सुबह सुबह के टाइम, ठंडा ठंडा। ओके सो द ट्रेन इज़ हियर। नॉर्मल बत्तियाँ पाकिस्तान वालों की तरह, लेकिन इनकी 2 बत्तियाँ हमारी 4 होती है। ये तो न्यू लग रही है, ये पुरानी तो नहीं लग रही। वैसे इंजन भी इसका न्यू लग रहा था, और लग तो अच्छी रही है, प्राचीन पूरी जा रही है ये। अब ये है कि हमारे वाली ट्रेन आती है तो उसमें देखूंगा कि अंदर से कैसी है सीटिंग्स वगैरह और एवरीथिंग, लेकिन फिलहाल तो ये अच्छी लग रही है। अब देखते हैं स्टॉप कितना करती है इधर। आई थिंक थोड़ा सा स्टॉप होना है इसका, तकरीबन 1 मिनट का स्टे था इसका, और 1 मिनट के बाद ये भाई जा रही है। सीट हमारी हमारी तो नहीं, खैर इनकी। उतरने के बाद ना यहाँ पे आगे बोट पे जाना पड़ता है, तो बोट तक जाने के लिए, पियर पे जाने के लिए ना यहाँ पे टैक्सी वगैरह तो अवेलेबल नहीं होती। तो हमें यहाँ पे बिठाया है एक
क्या कह सकते हैं, और डालने में तो मैं तुम लोगों को डाला दिखाता हूँ ये किस तरह का है। ये कुछ इस तरह की चीज़ है जिसमें हमें बिठाते हैं ये, ठीक है। यहाँ से हम इसमें बैठेंगे, मतलब क्या डाटसन कहते हैं पाकिस्तान में, तो लेकिन यहाँ पे बता रहे इसका कैसी राइड होनी है। इसमें बैठा हूँ मैं अभी और जा रहा हूँ मैं पियर तक, मतलब यहाँ से मैंने बोट पे बैठ के तो आइलैंड पे जाना है कोलान पे। सो लेट्स गो देयर। ओके, तो हम पहुँच गए हैं पटाया बीच पे, ठीक है। ये पटाया का बीच है यहाँ पे सारा, वहाँ पे देख सकते हो ये काफ़ी बड़ा बीच है इनका, और ये काफ़ी एक्टिविटीज़ भी चल रही हैं इधर, पैराग्लाइडिंग वगैरह चल रही है, ठीक है। लेकिन हमने जाना है आइलैंड पे, आइलैंड का नाम है कोलान, तो वो हमें मिलेगी यहाँ से कहीं से फेरी, मतलब ये छोटी सी इस तरह की बोट्स होती हैं, जो इस तरह की तो नहीं, खैर स्पीड बोट है, दूसरी वाली फेरी होती है। कब वो जाके देखने के कहाँ से मिलेगी, और फिर हम जाएंगे कोलान पटाया इंशाल्लाह। कल हमने वापस आना है तो कल आपको दिखाऊंगा मैं पटाया का सीन। आज क्योंकि कोलान थोड़ी सी, ये तो बहुत फेमस जगह है, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा रश है, कोलान में ज़्यादा रश नहीं होता, तो वहाँ पे जाके आज का दिन मैंने कोलान में इंजॉय करना है, रात को उधर ही रुकना है और सुबह वापस आना है पटाया। तो पटाया कल आपको दिखाऊंगा मैं, तो लेट्स गो टू कोलान। पटाया से मैंने ली है स्पीड बोट, जा रहा हूँ मैं कोलान में, तो ये भी सीन है स्पीड बोट का यार, यहाँ पे काफ़ी सारे बंदे इसमें बैठे हुए हैं, तो लेट्स गो एंड सी हाउ दिस लुक्स। ये जो स्पीड बोट का मेरा था ना सफ़र यहाँ पटाया से लेकर कोलान तक, तो यकीन मानो चाचे ने ऐसा तुन के रखा हुआ था ना काम, ऐसा मंडा हुआ था इसने जैसे पिंडी बॉय 70 कमांड रहे होते हैं, ऐसे ही इसने फुल स्पीड में छिका हुआ था काम को। आवाम तो कलमे पड़ रही थी भाई, और कभी कभार मुझे भी पायरेट्स ऑफ कैरेबियन वाली फीलिंग आती थी, कभी GTA वाइस सिटी वाली, और कभी कभार लगता था कि बस इसराइल साहब ने पहुँच आए हैं। याद होगी ना कि वो जो पैराग्लाइडिंग वाली थी कि भाई मैं मदर जो जो इसमें भाई लैंड करा दो, वो ही था ना मेरा आज यहाँ पे कि भाई बस लैंड करा दो, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट सी का जो है ना वो एक्सपोजर है, और मैं ना भाई बस लैंड करा दो, बस वही साफ हो रहा है मेरा आज। अगर वो वाली बोट लेते हैं ना, ये वाली बोट होती है एक बड़ी वाली, ठीक है, फेरी तकरीबन 1 घंटा लगाती है, और हम आए हैं इसमें, ठीक है, और इस भैंचोद ने लगाया है तकरीबन कोई 20 मिनट के 25 मिनट, अंदाज़ा लगा लो किस हालत से आया है।